राजे अज आप थर्ड चैप्टर शुरू करने हैं जय जवान जय किसान। अपने टॉपिक का नाम है ये देखो कि ये बच्चों क्या आपने कवि इस नारे को सुना जा पढ़ा है। देखो तो उन्हें लिखा है भी बच्चों आपने कवि इस नारे को सुना जा पढ़ा है। यह नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थी। तो इतों आपको की पता लगता भी जोड़े लाल बहादुर शास्त्री जी से उन्होंने पिक्चर दी हुई है यह की है भारत के दूजे की सी प्रधानमंत्री सी। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। भी ये मानते कि जोड़े भारत के जवान लोग ने है ना वो आपकी जान है जी उन्होंने जोखम च पा के देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह देश के किसान अपने परिश्रम से धरती को सींच कर अन्न उगाते हैं। वह आप हमारे अन्नदाता हैं भी जोड़े लोग इतने के किसान ने गो कि फसलों की पैदावार करते हैं तो करके की है अन्न है जोड़ा वो पैदा करते हैं जोड़ा कि है सारे लोग खाते हैं है ना रोटी खाते हैं तो की है कि उन किसान ने जोड़े उन्होंने अन्नदाता कहा जाता है। अत देश के विकास में दोनों का योगदान सबसे अधिक है भी इन्हों दोनों का योगदान है जोड़ा देश के विकास के लिए वाधे के सब तो अहम योगदान है इन्हों सब तो वध है। उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया ता करके उन्होंने यह नारा की सीगा यह दिता तो जय जवान जिहड़े की आ अपने जान जोखिम च पा के की है सीमा ते जाके सरहद ते की है देश की रक्षा करते हैं। जय किसान की है किसान केड़ा जिहड़ा अन्न की पैदावार करता है अन्न उगाउंदा है ते सारे लोगों का की है ढिड है जिहड़ा वो भरदा है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। एक साधारण जहा परिवार से जिदे उन्हों का जन्म होया सैनी तरीक न होया बनारस का एक कस्बा सगा इलाका तो मुगल सराय उत्थे होया। उनकी माता का नाम राम दुलारी था तो पिता का नाम शारदा प्रसाद से जेडे कि एक अध्यापक से। बचपन में ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए जो ये छोटे जे उदो इन्हों पिता से जेडे उन्होंने डैथ हो गई सी उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मतलब की है भी उन्होंने इन्नी सहन शक्ति हैगी सीगी इच्छा शक्ति सी उन्होंने पढ़न की भी वह इन्ना कुछ होने के बावजूद भी है ना उन्होंने पिता की डैथ हो गई सी तां भी कि उन्होंने हौसला नहीं छड्डिया अपनी पढ़ाई है जिहड़ी वह रैगूलर रखी सीगी। वह बचपन से ही साहसी निडर पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि वह गुदड़ी के लाल है। मतलब की है भी गुदड़ी का लाल हुंदा जिहड़ा बहुत प्यारा हुंदा भी उन्होंने यही सिद्ध करता सी भी वह बहुत प्यार लेंदे सीगे ते यह निडर सी दलेर सीगे। उनका स्कूल गंगा पार था गंगा नू पार करके नदी सी उन्होंने उसनू पार करके सीगा उदी मतलब एक साइड ते ला लो नाविक गंगा पार ले जाने का एक पैसा किराया लेता था। जिहड़ा नाविक सीगा वह तो जिहड़ा नाभिक सीगा वह की सीगा एक पैसा किराया लेंदा सीगा जिहड़ा गंगा पार ले जाने का है ना गंगा नू पार करवाउंदा सी जिहड़ा आर्थिक तंगी के कारण वे गंगा नदी को अक्सर तैर कर ही पार किया करते थे। भी जिहड़ी गंगा नू दी परली साइड ते सी उहनां नू पार करके जाना पैंदा सी जिहड़ा पार करवाउंदा सीगा जिवें है ना किश्तियां वेड़ियां हुंदियां ने जिन्हां कोल ला लो वह एक पैसा लेंदा सी पर इन्हां दी आर्थिक तंगी सी जिहड़ी वह आर्थिक तंगी सी मतलब ज़्यादा आमदन नहीं सी इन्हां कोल तां करके की है ये नदी तैर के तैरना जिवें है ना लोग समुद्र उहनां च तैरदे आ नहरां वगैरह दे विच है ना तुसीं सुणे ही होगा देखे भी होणगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੈਰ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਹਿ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣੇ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਓਂ ਸੰਗ ਵਾਪਿਸ ਆਤੇ ਹੋਏ ਵਹਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਥੇ। एक दिन उन्होंने को सी पैसे नहीं थे तो करके अपने दोस्तों तो पिछे रह गए भी मैं तैर के वग जूँगा भी है ना फ्रेंड्स के सामने भी मैं किमें कहूँगा भी मेरे को पैसे नहीं है ना ता करके पैसे नहीं सी इस करके जानबूझ के पिछे रह गए सी। भी अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए जिसका पाट लगभग आधा मील चौड़ा था। कहिंदे कि अपनी इच्छा शक्ति दे नाल ओह गंगा नदी नू पार कर गए जिहड़ी कि है अद्धा मील चौड़ी सीगी। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे परंतु वह विनम्रता से मना कर देते। कहिंदे पर उहदे उहनां दे दोस्त उहदा किराया देण दे लई हामी भरदे सी वी असीं दे दांगे कुछ नहीं हुंदा पर की है उन्होंने हाँ नहीं कीती हैगी ओह की है मना कर देंदे सी भी नहीं कोई गल नहीं जां किद्दां है ना। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा
अब बचपन से के ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन के सिद्धांत बन गए। जीवन भर वह अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे, मतलब उन्हें सिद्धांतों की चले ने उन्हें ही अड़े रहे ने। 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते वह देशभक्त के रंग में रंग चुके थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो देश की पुकार में उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो कि सी जो असहयोग आंदोलन चलिया सी तो उन्होंने पढ़ाई छड़न के लिए मजबूर कर दिया गया सीगा। उन दिनों देश की खातर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। निज हित का बलिदान कर देश हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा। मतलब कि है भी अपने निजी अपने लिए ही बलिदान देना नहीं समझते सी, देश के लिए बलिदान देना उत्तम समझते सी। जेल से आने के बाद मौका मिलने पर उन्होंने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की, तभी से उनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया। कहते जेल तो आने बाद उन्होंने किया शास्त्री की पढ़ाई पूरी की, तो उन्होंने नाम नाल फिर उस बाद लाल बहादुर जी के नाम नाल शास्त्री लग गया सी। देश सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाले वह निराले देशभक्त थे। वह एक बार नैनी कारावास के दौरान इन्हें अपनी पुत्री को के सख्त बीमार होने का समाचार मिला तो उनकी पत्नी वह मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री को देखभाल करने की गुहार लगाई। इन्हें एक दिन बेटी बीमार हो गई सी, तो फिर की है जेल के इन्हों मतलब की है जेल तो आने के लिए की है मतलब इन्हों जेल के वापिस आना पे इस करके। परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन से में भाग न लेने की लिखित शर्त पर ही छोड़ने को तैयार थी भी जे कोई राजनीतिक आंदोलन से यह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ही इन्हों छड़िया जाऊगा। सिद्धांतों के मतवाले को जे मंजूर ना था, पर इन्हों यह मंजूर नहीं सीगा। बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी, परंतु शास्त्री जी देश हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे और ना ही लिया। फिर सरकार ने ही बिना शर्त उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। अपन ने पहला पढ़िया ना भी वो अपने सिद्धांतों के अडोल से उन्हें ही अड़े रहते सीगे। जब शास्त्री जी बेटी के पास पहुँचे तब तक वह जीवन उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। ऐसे ही शास्त्री जी दुखी जरूर हुए, परंतु आज़ादी के दीवाने के इरादे बिल्कुल भी ना डगमगाए। पर कहते जो उत्थे पहुँचे तो उन्होंने बेटी से जोड़ी उन्होंने सांस जोड़े खत्म हो चुके सी, पर वह दुखी जरूर हुए सी है ना, क्योंकि उन्होंने बेटी से वह है ना। पर उन्होंने की सीगा उन्होंने इरादे से जोड़े मतलब देश के लिए वह फिर भी की है डोले नहीं है उमी रहे। इसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें पुत्र को टाइफाइड होने का संदेश मिला। फिर वही विकट समस्या, अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के एक सप्ताह के लिए एक हफ्ते के लिए उन्होंने रिहा करता। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया। बेटे के होंठ भी सूज गए सी, मतलब उन्होंने बुल सूज गए सीगे। जेल की रिहाई का एक सप्ताह भी बीत गया। जेल तो रिहा होने का एक सप्ताह से हफ्ता तो लंघ चुके है, पुत्र लंघ गया सीगा। पुत्र ने कहा भी बाबू जी अभी मत जाइए, कितनी विकट घड़ी थी। एक तरह जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था, दूसरी तरफ भारत माता की आज़ादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने बड़े मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। धन्य थे वह वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक संग जा मतलब की सी उन्होंने अपने बीमार पुत्र नू भी छड्डता सी सिर्फ देश दे लई है ना। वह दृढ़ निश्चय और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चिरनिंदा में सौ गया। 1966 ईस्वी नू की उन्होंने डैथ हो गई सी। समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आंखों से भावभीनी विदाई दी। उनका आदर्श जीवन अपने आने वाली पीढ़ियों से के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा, मतलब उन्हों का नाम है जिहड़ा आने वाली पीढ़ियों के लिए महान है, तो इन्हों का नाम है जिहड़ा भारत के इतिहास च हमेशा अमर रहूगा जिउंदा रहूगा। तो देखो की है फस्ट सैकेंड पार्ट तो थोड़ी बुक तो है, थर्ड तो फोर्थ पार्ट है जो क्वेश्चन आंसर ने छोटे ने यह लोंग ने ये अपनी फेयर नोटबुक्स से करोगे। ये फ्लप्स ने जिहड़ियां वैसे थोड़े को सारे बच्चों को अजे बुक्स ने तुम सारा नोटबुक्स से ही कर दिया नोटबुक्स से ही करोगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सैवंथ एटथ सिक्सथ है नहीं, सिक्सथ इतों स्किप हैगा, तुम इनू छेवं नाम दे दो, इनू सैवंथ पार्ट दे दो, इनू एटथ
नाइन्थ है मतलब यही। तो यह मुहावरे ने यह अर्थ दिते हुए ने वाक तुसी अपने आप बनाने आ। तुसी इत्थे तक ये सारा चैप्टर है जिहड़ा कंप्लीट करूँगे, क्योंकि राजे अपना सिलेबस ज़्यादा हैगा जे आपां एक चैप्टर नूं ये पहला हुण तक अपने दो चैप्टर किए ने किन्ना लैक्चर लगा ले है ना आपां, पर जे हुण भी आपां ज़्यादा टाइम लगाई गए फिर अपना सिलेबस नहीं कवर होना, इस करके तुसी की है ये थर्ड चैप्टर है जिहड़ा ये कंप्लीट अपने आप करूँगे नोटबुक्स से। जे कुछ नहीं पता लगू तो तुसी मेरे तो पूछ लियो, मैं थोनू चैप्टर दियां पिक्स क्लिक करके सेंड कर दूँगी। थैंक यू।